बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं हाज़िर हूँ आज व्लॉग लेकर के। तो आप देख रहे होंगे, मैं ये हमें दराज से हमने कुछ ऑर्डर किया था। ये बच्चों ने अपनी ईदी के पैसे से इन्होंने घड़ियाँ ऑर्डर की थी अपने लिए। तो ये जो है 3 घड़ियाँ इन्होंने मंगवाई थी। तो इन घड़ियों में था कि फंक्शन कुछ ज़्यादा है और व्हाट्सएप है, फेसबुक है और पता नहीं क्या क्या। तो इन्होंने काफ़ी दिन से शोर मचाया हुआ था कि हमें ये घड़ी चाहिए। तो फिर इनके जो ईदी के पैसे माशाल्लाह से इतने सारे जमा हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि मम्मा हमें घड़ी ही लेना है। तो फिर ये हमने दराज से ऑर्डर किया था, तो हमें ये तकरीबन 4-5 दिन बाद हमें ये मौसूल हुआ है। और ये आप देख रहे हैं डब्बे की हालत कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है, पता नहीं किस तरह से फेंक फेंक कर लाए हैं ये लोग। और मज़े की बात ये है कि तीनों घड़ियाँ ब्लैक ही हैं और इसमें डिफरेंट कलर शो हो रही हैं डब्बे में, लेकिन जो है ना हमें ब्लैक कलर में ही तीनों घड़ी मिली। तो बस अभी ये बच्चे इसको जोड़ रहे हैं, इन्हें भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा मम्मा ये किस तरह से होगा। तो इसको चार्जर भी छोटा सा पिन दिया है इन्होंने, चार्जर तो नहीं है बस पिन दिया है। और ये इसकी प्राइस मैं आपको शो कर रही हूँ, ये तीनों घड़ियाँ 2479 रुपीज़ के हुए। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अब ये जो है ना बच्चों को समझ में नहीं आ रही मम्मा ये इसमें जो जो फंक्शन बताया गया था, तो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये वो शो नहीं हो रहा जो जो मतलब इसमें फंक्शन बताया गया था वो शो नहीं हो रहा। तो थोड़े से मतलब उदास भी हो गए। तो खैर अब तो ये 3 घड़ियाँ आ चुकी हैं और इसमें जो कुछ कुछ फंक्शन अभी इन्होंने चार्ज किया है थोड़ा सा, तो पिन दिया था बस इसके साथ, छोटे छोटे से पिन है जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। और ये सारे अलग अलग पार्ट्स में थे, इन्हें ज्वाइन किया इन लोगों ने, तो फिर इसको थोड़ा सा चार्ज किया तो अब ये जो है ना कुछ इसमें शो होना शुरू हो गया है। तो थोड़े से इन लोगों की जान में जान आई है कि कुछ तो इसमें मतलब बेहतर है, चलो सही है ठीक है, अब आस्ते आस्ते समझ में इन्हें आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरा किचन कितना फैला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब से मेहमान आए हुए हैं, तो आज मैंने उनकी दावत रखी है घर पे, तो वो आने वाले हैं और मैं जल्दी जल्दी से इधर बीफ पुलाव बना रही हूँ। तो बस सारी रेडी हो गई है और उनके आने के बाद मैं इतनी बिज़ी हो गई ना कि फिर मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई कि किस तरह से मतलब खाना बना क्या क्या हुआ, बस ये मैं आपको आपके लिए थोड़े से मैं शूट कर पाई। और इधर हमारे जो कोरमा तैयार हो रहा है और इधर मैंने सेवइयां चढ़ाई हुई हैं, सेवइयां हमारी बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनी थी। तो बस ये सारी तैयारियाँ तकरीबन हो चुकी थी, लेकिन उनके आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद वो लोग आए थे और बहुत मज़ा आया बातों में, हमें पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुज़रा। और दूसरे दिन उनकी ट्रेन थी तो उन्हें वापस भी चले जाना था। तो फिर ये अगले दिन का व्लॉग है, मैंने खाना जो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए शूट भी कर लूँ कि हर घर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के खाने बनते हैं। तो मैं इस तरह से मैं बना रही थी मसूर की दाल और तुरई का सालन, उसमें बॉयल एग मैंने डाला था। तो फिर मैं किस तरह से बनाती हूँ मसूर की दाल और तुरई का सालन, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखें इंजॉय करें। तो बस मैंने अंडा बॉईल कर लिया है और सॉरी बॉईल नहीं फ्राई कर लिया है, और मैंने जो तेल हमारे बचे हुए थे उसी में मैंने मेथी दाना डाला है। और मेथी दाना डालने के बाद मैं इसमें टमाटर मैं डाल दूँगी काट करके,
ताकि वो थोड़े से हमारे नरम हो जाएँ, और मैं इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको मैं कवर भी कर दूँगी ताकि थोड़े से अच्छे से नरम हो जाएँ। उसके बाद फिर हम इसमें मैंने जो है ना प्याज और सरसों दाना, जिसको राई दाना भी कहते हैं, उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, तो फिर मैं वो डाल के मसाला अपना रेडी करूँगी। तो बस टमाटर थोड़ा सा जब गल जाता है, गल जाएगा, तो फिर मैं इसमें ये जो प्याज़ और मैंने सरसों दाना जो पीस के रखा है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो टमाटर में थोड़े से नरम भी थे तो वो जल्दी गल गए, तो बस इस तरह से मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी। तो फिर बस इस तो मैंने बस ये डाल दिया है। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक चम्मच इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं भूनती भी जा रही हूँ साथ साथ, ताकि पानी खुश्क हो जाए और जो हमारा मसाला है वो ऑयल छोड़ दे, और मैं इसमें सारे स्पाइसेस जो भी हम लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं नॉर्मल, वो सारे मैं 1-1 टीस्पून जो है वो डालती जा रही हूँ। तो ज़ीरा, धनिया और जो काली मिर्च पाउडर है वो 1/2 चम्मच मैंने डाली थी, और पिसी लाल मिर्च मैंने 1 भर के जो है ना 1 चम्मच वो मैंने डाला था, और ज़ीरा भी 1 चम्मच, और गरम मसाला मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा सा कम डाला था। और बस मैंने ये मसाले थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दिया है ताकि हमारा मसाला थोड़ा सा पक जाए और तेल छोड़ दे। तो बस ये देखें 5 से 6 मिनट मैंने रखा था इसको ढक के, और इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल के ना मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी, और उसके बाद जो है हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 कप भर के मैंने मसूर के दाल मैंने भिगो के रख दिए थे, तो वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। मसाला भून जाएगा जब अच्छे से, मसाला अच्छे से हमेशा भुनना चाहिए, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होता है हमारा सालन उतना ही टेस्टी और मज़े का लगता है। तो मसूर की दाल जो है ना मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्यारे बड़े बड़े से दाने थे, तो बहुत अच्छे से ये फूल भी गए थे। तो बस मैंने इसको मसाले में ऐड कर दिया, और जो तुरई मैंने काट के रखे थे इस तरह से मोटे मोटे गोल गोल, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। थोड़े से नमक डालूँगी और थोड़े से पानी डालूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसको शुरू में थोड़ा सा मीडियम तेज़ आंच पर रखूंगी, उसके बाद मैं बिल्कुल धीमे आंच पर मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि दाल भी है हमारा तुरई तो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन दाल में थोड़ा सा तो दाल को गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस मैंने धीमी आंच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि जो अच्छे से ये गल जाए। और साथ साथ मैं इधर आप देख रहे हैं कि मैं सफ़ाई भी करती जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत सी है कि मैं साथ साथ सब साफ़ करती चली जाती हूँ, जो बर्तन निकलता जाता है मैं साथ साथ धोती भी जाती हूँ, तो इस तरह से मेरे काम बहुत आसान हो जाता है, फैलता नहीं है ज़्यादा काम। और ये देखिए हमारा सालन मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और बिल्कुल बहुत अच्छा से ये गल चुका है, और ये बिल्कुल ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक ये है। तो बस आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा बताया हुआ तरीका। बहुत सारे लोग इस तरह का सालन बनाते होंगे और डिफरेंट अंदाज़ में बनाते होंगे, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और मुझे बहुत मज़े का लगता है ये, और मेरे घर में माशाल्लाह सब शौक़ से खाते हैं। अच्छा मैं जो है ना अरवी में भी इसी तरह बनाती हूँ, बिल्कुल यही तरीका होता है, और बहुत ही मज़े का लग रहा होता है, बहुत ही यमी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे बताया हुआ तरीका कैसा लगा। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।